हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट में ट्रिगर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ट्रिगर के लिए मैंने सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि एक टेक्स्ट जिसको मैं प्रेस करूंगा और हमारी ये फोटो अपीयर होगी। ट्रिगर का काम क्या होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उस पर क्लिक करने से जो भी हमने इमेज है, जिस पर हमने कोई एनिमेशन लगा रखा है, वो अपीयर हो जाती है। किसी भी इमेज पर ट्रिगर लगाने के लिए हमको पहले उस इमेज पर एनिमेशन देना होगा। एनिमेशन देने के बाद हम उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ट्रिगर पे जाएंगे और ऑन क्लिक ऑफ पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल वन जैसे हमने फोटो को दिया हुआ है तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि टाइटल वन क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका नाम चेंज कर सकते हो। नाम चेंज करने के लिए आपको होम स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट पे जाइए और यहाँ से सिलेक्शन पेन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर टाइटल वन पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप उसको एक नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया फोटो का। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ट्रिगर पे जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि अब यहाँ पर देखिए नाम इसका चेंज हो चुका है। अब ट्रिगर कैसे काम करता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रन कराना पड़ेगा। उसके लिए आप स्लाइड शो पर जाके फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर सकते हैं या फिर F5 प्रेस कर सकते हैं। अब जो इमेज हमने लगाई थी वो आपकी अपियर नहीं हो रही है, वो तब अपियर होगी जब आप फोटो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने इस पर ट्रिगर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।